सो रिफंड पब्लिक की हाल चाल है, आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आपका सबसे पहले दिल से शुक्रिया एंड धन्यवाद। तो आपके प्यार और सपोर्ट की वजह से हम गूगल के सर्च इंजन पर भी आ गए हैं। अगर आप लोग गूगल पे जाकर के सर्च करते हो यूसी रिफंड ट्रिक, तो सबसे पहले आप लोग को टॉप पर तुम्हारे भाई की ही वीडियो देखने को मिल जाएंगे एंड तुम्हारा भाई बैठा है सर्च इंजन के टॉप पर भाई। तो जाकर के एक बार कर लेना, #1 पर बैठा हूँ। तो आप लोगों के प्यार से ही यहाँ तक आया हूँ। तो आप लोगों को करना क्या भाई, 13 मिनट की वीडियो है। तुम्हें क्या लग रहा है भाई, 13 मिनट लगे हैं क्या वीडियो बनाने में भाई? पूरे 3 दिन लगे हैं। तो आप लोग प्लीज यार 13 मिनट की वीडियो पूरी देख करके जाना, तभी आप लोग को समझ में आने लगा। तो यूनिपन से हम लोग रिफंड करने के बारे में बताने वाले। तो आप लोग करना क्या है, सिंपल आप लोग यूनिपन की वेबसाइट खोल लेना है एंड उस पर आप लोग अपनी जी मेल आई डी एंटर कर लेना है एंड BGMI की ID भी एंटर कर देना है। एंड उस पर करने के बाद आप लोगों को पैक सेलेक्ट करना है भाई, कौन सा वाला पैक आप लोगों को परचेस करना है। तो मैं तो आप लोगों को परचेस करके दिखाने वाला हूँ कौन सा पैक परचेस करना है। तो मैं यूनिपन से कभी भी यूसी बाय नहीं करता, आप लोग कर सकते हो। फिलहाल मैं ऐसा कुछ करूँगा नहीं, हेट ज़्यादा नहीं फैलाऊँगा BGMI वालों के लिए एंड पहले से बहुत ज़्यादा फैला चुका हूँ। एंड आप लोगों को भाई 75 यूसी वाला पैक एक बार से ट्राई कर लेना, क्या है क्या ही जा रहा। तो आप लोग 75 वाला पैक पे सेलेक्ट करने के बाद पेमेंट मेथड में सेलेक्ट करना है। तो देखो ज़्यादा कमेंट्स आते हैं भाई UPI से पेमेंट करके दिखाओ, तो UPI से करके दिखाने वाले हैं। तो सिंपल देखो यार, एंड वीडियो बहुत सिंपल होने वाली है एंड फुल प्रोसेस है, तभी वीडियो लंबी होती है। एंड शॉर्ट में तो मैं भी 2 मिनट की वीडियो में दिखा सकता हूँ। एंड आप लोगों को मोबाइल नंबर डालने के बाद वेरीफाई कर लेना है। वेरीफाई होने के बाद आप लोगों को भाई यहाँ पर आप लोगों को अपनी Gmail ID डाल लेना है। यहाँ पे देखो अपना नाम डालोगे और Gmail ID यहाँ पे कौन सी डालना है, बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं। यहाँ पर आप लोगों को वही Gmail ID डालना है जिस Gmail ID में आप लोगों को रिफंड चाहिए। स्टार्टिंग में भाई तुम कोई सी Gmail ID डाल सकते हो एंड जिस ID से आप लोगों को रिफंड करना है लास्ट में वही Gmail ID डालना है यहाँ पे। तो इसीलिए बोल रहा हूँ, वीडियो को ध्यान से देखो एंड उस पर सबमिट वाले ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करोगे तो आप लोगों को पेमेंट कर देना है सिंपल। तो यहाँ पे मैं फ़ोनपे से पेमेंट करने वाला हूँ। फ़ोनपे UPI बात एक ही है, फिलहाल UPI का पेमेंट ही मेथड ही मैंने सेलेक्ट किया था एंड यहाँ पे हमारा फ़ोनपे से सिलेक्ट हो चुका है एंड यहाँ पे पेमेंट होता है हमारा सक्सेसफुल। अगर आप लोगों ने वीडियो अभी तक लाइक नहीं करी है तो क्या कर रहे हो यार, आप लोग बाद में भूल जाते हो। सबसे पहले वीडियो को लाइक करो एंड हाँ कॉमेंट्स कर देना अगली नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर लाई जाए भाई, हम कन्फ्यूजन में रहते हैं किस टॉपिक पर वीडियो लेके आए। तो क्या करें, चैनल ही ऐसा है। तो कॉमेंट्स करो यार ज़्यादा से ज़्यादा एंड कॉमेंट में पिक करने वाला हूँ सबके। एंड आप लोग को ऐसा कुछ इंटरफेस देखने को मिलेगा जब पेमेंट होने के बाद, इसका ले लेना है एक स्क्रीनशॉट ध्यान से। बाद में थोड़ा दिक्कत आएगी स्क्रीनशॉट लेने में क्योंकि बहुत अंदर जाके लेना पड़ता है ये सब। एंड आप लोगों को स्टार्टिंग में ही स्क्रीनशॉट एक रख लेना है एंड इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है बहुत ज़्यादा, 100% ज़रूरत पड़ने वाली है। एंड उसके बाद में आप लोग को रीडायरेक्ट कर देगा फिर से वही पेज पे। अब आप लोग करना क्या, देखो पेमेंट तो हमारी हो गई तो सबसे पहले आप लोग को BGMI में चेक कर लेना है भाई हमारी UCI या नहीं। और हाँ उससे पहले आप लोग देख सकते हो भाई स्टैम्प चल रहा है भाई डेली स्पेशल बंडल, तो आप लोगों को भाई 10 रुपये में मिलने वाली है 25 UC। तो देखो मैं कोई BGMI का पार्टनर नहीं हूँ जो आप लोगों को रिकमेंड करूँगा। देखो कोई किसी चीज़ में अगर फ़ायदा है तब आप लोगों को मैं ही रिकमेंड करूँगा कि ऐसी ये चीज़ परचेज़ कर लो जाकर के, क्योंकि मैं BGMI का पार्टनर नहीं हूँ, मैं टट्टा नहीं हूँ उनका, ठीक है। तो आप लोग जाकर के भाई कर सकते हो 10 रुपये में 25 UC में ले तो अच्छी बात है एंड कूपन भी आप लोगों को मिल जाएंगे देखने को, ठीक है। एंड 15 सिल्वर कॉइन भी मिल रहे हैं तो छोड़ो ठीक है, फिलहाल 25 UC काफ़ी ज़्यादा होती है। आप लोग अगर 10 दिन भी परचेज़ कर लेते हो ना तो काफ़ी लिटरली काफ़ी यूसी होने वाली है, जिससे आप लोग रॉयल पास भी खरीद सकते हो। और हाँ रॉयल पास कैसे खरीदना इसी वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ, तो प्लीज़ ध्यान से देखना। एंड अब इसके बाद हम UC चेकआउट कर लेते हैं। तो हमारे अकाउंट में भाई UC तो आ गई है, UC आ गई। अब हम रिफंड कैसे करना है, सबसे मेन मुद्दा तो यही है कि रिफंड कैसे करना है। तो सबसे पहले रिफंड करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा आप लोगों को रॉयल पास कैसे खरीदना है। तो डिस्क्रिप्शन में जाना आप लोगों को लिंक मिल जाएगी एंजल बन ऐप की, तो उसमें आप लोगों को 100 रुपये मिलने वाले हैं साइन अप करने के। तो इसमें KYC कर लेना भाई, KYC का थोड़ा हार्ड है प्रोसेस, आप लोग KYC कर लेना है। आप लोगों का आधार कार्ड पैन कार्ड लगने वाला है, अगर आप लोगों का आधार कार्ड मोबाइल नंबर पे लिंक है तो आप लोग OTP डाल करके सबमिट कर सकते हो। एंड उसके सेकंड नंबर पर जो लिंक मिलने वाली है वो IND आपके मिलने वाली है एंड उसमें आप लोगों को मिलने वाले हैं 250 रुपये इंस्टेंट के इंस्टेंट लॉग इन करते ही। वो कैसे मिलेंगे आप लोग, इसमें भी आधार कार्ड पैन कार्ड लगने वाला है, तो 18+ है, तो जो लोग 18+ है तो ऐसा मौका मत छोड़ो। तो जाओ जाकर अभी क्या भी डाउनलोड करो एंड साइन अप करो, रजिस्टर करो एंड ट्रस्टेड एप्लीकेशन है, कोई धोखाधड़ी वाला सीन नहीं। एंड आप लोग करने का यूनिपिन की वेबसाइट में जब नीचे की साइड में स्क्रॉल करोगे तो आप लोगों को भाई कॉन्टैक्ट सपोर्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो नीचे स्क्रॉल करोगे तो मिल जाएगा, ईजी मिल जाएगा कॉन्टैक्ट सपोर्ट का ऑप्शन। तो यहाँ पे जब आप लोग क्लिक करोगे तो आप लोगों को कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा जिसे देखकर मेरा काफ़ी ज़्यादा मत्था खराब हो गया। और ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, तो अब देखो यार, तो यहाँ पे सिंपल कॉन्टैक्ट सपोर्ट वाले ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने
सामने कस्टमर सपोर्ट का ऑप्शन खुल जाएगा कि आप लोग कस्टमर से सपोर्ट डायरेक्ट बात कर सकते हो। वैसे अच्छा मौका है बात करने का, लेकिन बट हमें नहीं करना यार कहीं। और पहले अब ऐसा ऑप्शन आया, लेकिन पहले कैसा था, तो पहले जैसे ही कॉन्टैक्ट सपोर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते थे तो आप लोग के सामने ऐसे रिफंड का ऑप्शन आ जाता टिक करने का, एंड यहाँ पर आप लोग को फोन नंबर एंड पेमेंट मेथड का एंड स्क्रीन शॉट शेयर करने के बाद आपका भाई रिक्वेस्ट हो जाती थी सबमिट सक्सेसफुल, तो और आपका 24 घंटे के अंदर या फिर तुरंत आ जाता है इंस्टेंट रिफंड। एंड अभी के टाइम पे भाई ऐसा कुछ इंटरफेस आ रहा है, तो इसे देखकर मैं भी काफ़ी ज़्यादा हिल गया, क्योंकि अच्छे का मैंने भाई ज़्यादा बड़ा पैक परचेज नहीं किया, वरना क्या। आप लोग देख रहे हो सरपंच गेमिंग चैनल को, तो तुम्हारा भाई हमेशा सेकंड बैकअप जरूर रखता है, तो आप लोग देख सकते हो उसे सेकंड बैकअप कौन सा होने वाला है हमारा, तो उसी बैकअप के ऊपर बात करने वाले हैं। तो आप लोगों को वही वेबसाइट में आप लोगों को इंडिया वाले ऑप्शन पर सेलेक्ट करना है यूनिपिन में ही, एंड यहाँ पे आप लोगों को ऊपर की साइड में स्क्रॉल करना है, ये नीचे तो कुछ नहीं मिलने वाला, एंड ऊपर साइड में स्क्रॉल करोगे तो आप लोगों को 3 लाइन मतलब 3 डाउट आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। साइन इन के बराबर है तो साइन इन यहाँ पे कर लेना है क्लिक। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप लोग को भाई कस्टमर सपोर्ट वाले ऑप्शन का मतलब रिक्वेस्ट सेंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद कस्टमर सपोर्ट का ऑप्शन खुल जाएगा। यहाँ पे सब्जेक्ट में आप लोग क्या लिखना है, सब्जेक्ट में भाई BGMI लिखना है, ठीक है BGMI लिख सकते हो, एंड यहाँ पे BGMI उसी रिफंड भी लिख सकते हो यहाँ पे सब्जेक्ट में, एंड इसके बाद में डिस्क्रिप्शन में क्या लिखना है, बहुत सारे लोग इसी में कन्फ्यूजन में होंगे ना, तो मैंने तो कॉपी पेस्ट कर दिया, आप लोग डिस्क्रिप्शन से कॉपी पेस्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैं लिख दूंगा क्या क्या आप लोगों को लिखना है, एंड कॉपी पेस्ट कर लेना। एंड उसके बाद में अब काम आने वाला है स्क्रीनशॉट जो आप लोगों ने लिया था, वो सिंपल गूगल गैलरी में से अप्लाई कर देना, एंड इसके बाद में आप लोगों को टाइप में क्या डालना है, टाइप में डालना है यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करोगे तो आप लोगों को मिल जाएगा रिफंड यूज़र करके कर देना, एंड सिंपल कर देना सबमिट। और सबमिट करने के बाद भाई इसका कोई पता है नहीं कि यहाँ पे आपका योर रिक्वेस्ट वाज सक्सेसफुल सबमिटेड, तो मतलब सबमिट तो हो गई है, एंड इसके बाद में देख लेते हो, आधी अधूरी वीडियो हम नहीं बनाते, एंड उसके कुछ देर बाद हमारे पास मेल आती है कि आप लोग भाई अपना BGMI का मतलब भाई ये कस्टमर सपोर्ट तुरंत बैठे हैं हमारी हेल्प करने के लिए, अगर रिफंड देंगे तो रिफंड दे देंगे, जब सपोर्ट करने के लिए बैठे हैं तो भाई नहीं मिलने वाला, मैंने पहले ही बोल दिया था कि नहीं मिलेगा ऐसे, तो आप लोगों को करना क्या है, यूनिपिन से तो हमारी बेस्टेड हो गई, यहाँ पे सिंपल दिखा रहा है आप लोगों को भाई गेम एक बार से रिस्टार्ट कर लेना आपकी उसी आपके अकाउंट में आ जाएगी, अगर डिटेक्ट नहीं हुई है तो हो जाएगी, तो यही सब लिखा है, तो भाई क्या ही मसला है। देखो मैं भाई हमेशा वीडियो पूरा बैकअप लेकर के चलता हूँ कि स्टार्टिंग में क्या बोलना है, ऐसा नहीं भाई आधी चीज़ें बनाई आधी चीज़ें नहीं बताई, तो भाई ऐसा चीज़ है नहीं अपनी वीडियो में, तो जो भी चीज़ लेके चलेंगे पूरा लेके चलेंगे, भले 3 दिन लगे हैं इस वीडियो को बनाने में और आप लोग को 1 सेकंड मिल जाएगा लाइक करने में, तो कर दो यार, इतना ज़्यादा नहीं बोलता हूँ, प्लीज़ कर दो यार 100 लाइक्स का तो कंप्लीट करा ही दो टारगेट। एंड यहाँ पे आप लोग जीमेल से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, आप लोग नीचे जीमेल का ऑप्शन भी मिल जाएगा, वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हो यूनिपिन वालों को, एंड यहाँ पे हम लोग मैसेंजर के जरिए मैं कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं हाय लिखता हूँ, ये देखता हूँ कॉन्टैक्ट करके भाई क्या ही मसला है, एंड यहाँ पे मैं अपनी प्रॉब्लम जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखा था वही पेस्ट मार देता हूँ कि यहाँ पे देखते हैं भाई क्या रिप्लाई आने वाला है, बाकी तो मुझे पता है कि ये लोग रिफंड नहीं देने वाले, इसी चक्कर से मैंने भाई छोटा पैक परचेज़ किया था कि अब तो भाई रिफंड मिल जाए, एंड क्या ही बोलूँ यार, आप लोगों यूनिपिन से यूसी परचेज़ नहीं करना है, आप लोग सोच रहे हो वीडियो छोड़कर चले जाएँ, कुछ नहीं है वीडियो में, अब आप लोगों को भाई ओरिजिनल परचेज़ में दिखाने वाला हूँ आखिर आप लोगों को परचेज़ करना कैसे है, तो अभी देखो भाई वीडियो अभी बहुत लंबी है यार, अभी तो भाई 8 मिनट की वीडियो है, 6 मिनट की वीडियो बाकी है अभी, 5 से 6 मिनट की, तो भाई जल्दी जल्दी देखते रहो और लाइक भी करते रहो, एंड यहाँ पे मैं अपना जो भी स्क्रीनशॉट लिया था वो शेयर कर देता हूँ। उसके बाद में यूनिपिन वाले भाई अपने मुंह पे टेप लगा के बैठ जाते हैं, उसके बाद में भाई अब तक इनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, तो मैंने छोड़ा चलो तुम्हारी बहन की दूसरी शादी कराऊँ छोड़ो, एंड इसके बाद में मैं अपना दूसरा पेमेंट करता हूँ, एंड जिससे मैंने 1900 रुपये का एक यूसी का पैक परचेज़ किया था, एंड मैं करने वाला हूँ भाई अपने गूगल प्ले से ही भाई परचेज़ करने वाला हूँ और उससे ही भाई रिफ़ंड करने वाला हूँ, तो चेक करते हैं हमारा रिफ़ंड आता है या नहीं आता, वैसे तो मैंने भाई बहुत ही ज़्यादा रिफ़ंड ले चुका हूँ तो अब नहीं आने। और हाँ, आइडियाँ क्यों बैन हो रही हैं इसके ऊपर भाई अगर आप लोगों को डेडिकेटेड वीडियो चाहिए ना, कुछ लोग बोल रहे हैं यूसी रिफ़ंड से ही हो रही हैं, अगर पूरी डेडिकेटेड वीडियो चाहिए शुरू से एंड तक तो आप लोग कमेंट्स कर देना, मैं आप लोगों को भाई कल के ही दिन आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा, तो कमेंट्स कर दो जल्दी जल्दी आप लोगों को आईडी बैन के ऊपर वीडियो चाहिए नहीं चाहिए, ताकि आप लोग वो गलती ना करो जिससे आप लोगों की आईडी बैन हो जाए, ठीक है। एंड इसके बाद में रिक्वेस्ट सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना, हमने यूसी जो परचेज़ की थी एंड रिफंड करने जा रहे हैं, एंड यहाँ पर हम लोग टिक करने के बाद अब देखते हैं भाई अप्लाई करके हमारा रिफंड आता है या नहीं आता, तो भाई अभी के टाइम में देखा जाए तो रिफ़ंड वाली ट्रिक तो बस्टेड हो चुकी है, तो मैं आप लोगों को रिकमेंड नहीं करना चाहूँगा कि आप लोग रिफ़ंड करो। देखो मगर मान लो मुझे भाई रॉयल पास ख़रीदना, सीधी बात है,
तो मैं क्या करूँगा भाई, 380 रुपये का एक पैक परचेस करूँगा। एंड मुझे तो भाई परचेस करना ही, क्योंकि मुझे रॉयल पास ख़रीदना है। और रॉयल पास ख़रीदने के बाद मैं सोच रहा हूँ भाई चलो रिफ़ंड कर लेते हैं, क्या पता आ जाए। अगर आ रहा है तो ठीक है, नहीं आए तो भी ठीक है, क्योंकि मैंने तो सिर्फ रॉयल पास ख़रीदा ना भाई। इस वजह से मत खरीदो भाई। कुछ लोग पता है क्या करते हैं, उनके मतलब फादर ने पैसे दिए, उन लोगों ने भाई रिफ़ंड कर ली, एंड उसके बाद मतलब यूसी परचेज कर ली, उन्हें सोचा रिफ़ंड आ जाएगा। हाँ, काफ़ी यूट्यूबरों की देखते हैं, कन्फर्म आएगा भाई, 100% आएगा। क्या आएगा भाई, नहीं आएगा ना। तो आप लोग ऐसे मत फंस जाना। तो इसी चक्कर से मैं रिकमेंड करूँगी आप लोग ऐसे परचेज मत करना। पहले आ रहा था तो मैंने भी 100% बोला था कि हाँ आ रहा है, उस टाइम पे आ भी रहा था। लेकिन अभी के टाइम पे जो कुछ लोग बोल रहे हैं वो बिल्कुल, क्या ही बोलूँ, मैं नहीं बोलना चाहूँगा ज़्यादा। उनकी बहन की तो दूसरी शादी करा ही दूंगा मैं। बाकी आप लोग कराओ यार जल्दी से जल्दी, इस चैनल पे भाई 5000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कराओ यार जल्दी से जल्दी। एंड बहुत ज़्यादा नज़दीक है भाई, हो ही नहीं रहा। मैं इतने दिन से भाई चेकआउट कर रहा हूँ भाई, कंप्लीट नहीं हो रहा। एंड इसके बाद में हम लोगों ने रिफ़ंड तो कर दिया, लेकिन उसके बाद हम देखते हैं भाई, 2-3 दिन हो गए क्लिंग कोई मेल भी नहीं आ रहा था। 2 दिन बाद फाइनली मेल आता है, थैंक यू फॉर कॉन्टेक्टिंग करके, जिससे मेरा पत्ता हो जाता है ख़राब। एंड उसके बाद में जब चेकआउट करने जाते हैं तो यहाँ पे हमारा रिफ़ंड आया ही नहीं होता है। तो भाई छोड़ो भाई रिफ़ंड वाली ट्रिक। एंड अगर आप लोग परचेज़ कर रहे हो तो आप लोग जो भी जीमेल आईडी ऐसी हो जिस पर आप लोगों ने परचेज़ नहीं किया हो, मतलब रिफ़ंड नहीं किया होगा भी, उस पर आप लोग कर सकते हो, सिंपल उसमें हो जाएगा। एंड हाँ, अगर आप लोगों का न्यू डिवाइस है और एक किसी की जीमेल आईडी मांग ले ना, मुझे यहां तक उम्मीद है कि आप लोगों का भाई उसमें रिफ़ंड हो जाएगा। कम से कम 90% चांसेस हैं भाई रिफ़ंड आने के, अगर आपका न्यू डिवाइसेस है और एक जीमेल आईडी है 3 से 4 साल पुरानी, तो हो जाएगा भाई जहाँ तक मुझे उम्मीद है। एंड उसके बाद में अगर आप लोग वीडियो यहाँ तक देख रहे हो 11 मिनट तक, तो आप लोग से मैं एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग मेरे सेकंड चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करोगे, यही रिकमेंड करना चाहूँगा आप लोगों से। तो प्लीज़ यार सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एंड वीडियो को भी कर देना लाइक, और हाँ बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑल पे कर लेना, कि भाई छोटा सा चैनल है, आपके ही सपोर्ट की ज़रूरत है। तो प्लीज़ यार प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, क्योंकि इस चैनल से मुझे भाई कोई भी कमाई नहीं हुई है अब तक, तो 2 साल हो गए वीडियो बनाते बनाते मुझे 1 रुपये की कमाई नहीं हुई है। तो भाई प्लीज़ यार प्लीज़, अगर मैं आपके लिए इतना सारी इन्फॉर्मेशन लेकर के आता हूँ भाई, अच्छा एक बात बताऊँ, मुझे 1 रुपये की कमाई नहीं हो रही है। आप लोग कहो तो मैं अपना शेयर कर सकता हूँ, लेकिन बट थोड़ी यार YouTube की कम्युनिटी गाइडलाइंस के नहीं बोल सकते ज़्यादा। प्लीज़ यार आप लोग सेकंड चैनल को जरूर से सपोर्ट कर देना, ताकि भाई हम भी और आगे बढ़ सकें जितने सारे लोग बढ़ रहे हैं आगे। तो प्लीज़ यार थोड़ा सा सपोर्ट करना। बाकी हाँ, अगर आप लोगों को वीडियो जरा सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को अभी, जिन जिन लोगों ने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो। एंड हाँ, और यूसी रिफ़ंड के मामले में और आगे कोई जानकारी चाहिए तो वो भी बोल देना। और आईडी जिन जिन लोगों की बैन हो रही है एंड अनबैन के ऊपर, एंड आप लोगों को भाई सबसे पहली तो मेरी यही है कि आप लोगों का भाई जिन जिन लोगों की आईडी बैन हो रही है, आखिर हो क्यों रही हैं आखिर, आप लोग अगर कमेंट करोगे मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना सकता हूँ इसके ऊपर, ताकि आप लोगों की भी आइडियाँ बैन ना हो जाएं। आप लोग सोचोगे भाई हम तो कोई इलीगल प्रोसेस नहीं कर रहे, हम तो यूसी भी रिफंड नहीं कर रहे अब, और ना ही हम गेम में कोई भाई हैक वैक लगा रहे जो हम भाई बैन होंगे, क्योंकि हैकर्स ही बैन नहीं हो रहे तो हम क्या बैन होंगे। तो देखो इन बहम में मत रहो, VGMI वाले पागल हैं, पागल ही रहेंगे, तो ऐसा मत सोचो। एंड अपनी आइडिया मतलब आपकी आईडी, आपका भाई कुछ भी सोचो यार प्लीज़। हाँ मैं एक ही रिकमेंड करूँगा, अगर आप लोगों को वीडियो डेडिकेटेड चाहिए तो कमेंट्स कर देना, वरना डाल लो पिछवाड़े में। एंड अगर आप लोगों को वीडियो जरा सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल कर देना सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन कर देना ऑल पे, और सेकंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि आप लोगों को भाई ऐसी ही हमारे चैनल पर वीडियो देखने को मिलती रहेंगी।